हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए स्टूडियो में बात करेंगे सेंसेक्स की आज थर्सडे के दिन का मोमेंटम कैसा था, और उसके बाद बात करेंगे कल फ्राइडे वीकली एक्सपायरी के लिए एंटर के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं, जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज एक हमें फ्लैट ओपनिंग से पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है। उसके बाद हमें कल जैसे ही साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिला। अगर मैं आपको एक बॉक्स मार्क करके दिखाऊं तो यहां पे अपन को देखने को मिलेगा, पिछले कुछ दिनों से इस बॉक्स के आसपास ही हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे ना ही कोई हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिली है और ना ही कोई हमें अच्छी डायरेक्शनल मूव देखने को मिली है, और ऐसे मोमेंटम में सिर्फ अपन को प्रीमियम डिके ही देखने को मिला है, और लास्ट में हमें क्लोजिंग अराउंड हमें 64,800 के लेवल के आसपास की देखने को मिल सकती है। तो ये सेंसेक्स का आज के दिन का थर्सडे के दिन का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है सेंसेक्स। तो दोस्तों अपन आ गए वन डे के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपन को बनते हुए देखने को मिला था, और उसी के पास आसपास हमें एक बियरिश कैंडल देखने को बनती हुई फॉर्म हमें आज के दिन की देखने को मिल रही है। तो यहाँ से एक अगर अपन डाउन साइड का मोमेंट देखें तो इसके नीचे एक अपन को पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि 64,638 का लेवल के आसपास की, और अगर इसके नीचे जाता है तो सीधे फर्स्ट टारगेट अपन को 63,550 तक के देखने को मिल सकता है। और अगर अपसाइड की बात करें तो अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगा डेली टाइम फ्रेम में, जो कि है 65,124 का लेवल, तो एक हमें यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सका है, जिसमें कि इमीडिएट फर्स्ट टारगेट पहले 65,869 का देखने को मिल सकता है, और अपना सेकंड टारगेट 66,550 का देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है डेली टाइम फ्रेम में कि अपन को आने वाले दिनों में कैसे क्या मोमेंटम और कहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल फ्राइडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। दोस्तों अपन आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अपन बात करेंगे डाउन साइड की मोमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। डाउन साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेक डाउन करें, जो कि अगर मैं एग्जैक्ट मार्क करके दिखाऊं तो वो है 64,719 का लेवल, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक अपन को डाउन साइड की मोमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये लेवल, जो कि अराउंड 64,617 का लेवल, और अगर इसके नीचे भी जाता है तो सीधे जो अपन को सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे अपन को गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि अराउंड 64,526 के आसपास का, और इसके नीचे जाता है तो फिर अपना थर्ड टारगेट रहेगा 64,275 का लेवल, और यहाँ पे एक और अपन को गैप देखने को मिल रहा है, तो गैप फिलिंग यहाँ भी अपन को देखने को मिल सकती है, जो कि अपन को फोर्थ टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि 64,145 का लेवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है डाउन साइड में, अगर 64,719 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है सेंसेक्स। तो चलिए देखते हैं अपसाइड की मोमेंट अपन कहाँ देखने मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करे, जो कि है 65,124 का लेवल, तो इसके ऊपर एक अपन को अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिसमें आगे के टारगेट्स के लिए पहले मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल पे अपन को बहुत दिनों बाद ट्रेड होते देखने को मिलेगा सेंसेक्स। इमीडिएट जो अपन को फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा पहले ये लेवल, जो कि अराउंड 65,260 का लेवल, जहाँ पे अपन को एक पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 65,430 का देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से अपन को एक रेजिस्टेंस लेके एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला था जब पिछले बार इस लेवल के आसपास ट्रेड हुआ था, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करेगा तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 65,555 का लेवल देखने को मिल सकता है, और जो अपना फोर्थ टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर ये वाला लेवल, जो कि है अराउंड 65,665 के आसपास का। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 65,124 का अपसाइड में ब्रेकआउट करता है सेंसेक्स, तो अगर सेंसेक्स इस रेंज में ट्रेड करे, जो कि ये वाला रेंज, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि 65,124 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन हो, जो कि 64,719 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे सेंसेक्स। चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेल लाइन बन के आ रही है कि, तो उसे अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से एक अपन को ट्रेल लाइन बनती देखने को मिली, अगर कल के दिन इस ट्रेल लाइन को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करें तो एक अपन को मोमेंटम देखने को मिल सकती है, और अगर अप साइड से एक ट्रेल लाइन मार्क करें तो ये वाली ट्रेल लाइन अप साइड के लिए अपन को एक अच्छी परफेक्ट ट्रेल लाइन बनती हुई देखने को मिली है। तो जिस तरफ भी ट्रेल लाइन ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करें, उस तरफ एक अपन को अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों ट्रेल लाइन्स को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ इंट्राडे के लिए लेवल्स, टेलेंस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।